ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भाजपा हाईकमान द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी घोषित किए जाने से उत्साहित भाजपा व भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने यहां SBI तिराहे पर मिष्ठान वितरित करते हुए नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। इस मौके पर भाजपा व भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि नए कार्यकारिणी के गठन से सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, देखते हैं CCN की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा नई कार्यकारिणी घोषित किए जाने से उत्साहित भाजपा व युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने यहां SBI तिराहे पर मिष्ठान वितरित करते हुए खुशी व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र परिहार ने कहा कि नई कार्यकारिणी में बागेश्वर सहित सभी जिलों व वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज ओली ने कहा कि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाना सभी युवाओं का सम्मान है। नगरपालिका सभासद धीरेन परिहार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी द्वारा पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश की टीम का यहाँ पर गठन किया गया है। उस चक्कर में उसके संबंध में ही हमने यहाँ पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया है, क्योंकि इसमें हमारे जिले से माननीय पुष्कर काला जी प्रदेश मंत्री यहाँ पर बने हैं, दूसरा और हमारे युवा मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष कुंदन लटवाल जी यहाँ पर पुनः दोबारा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के पूरी प्रदेश की टीम बनी है वो हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है कि बहुत संतुलित और बहुत मजबूत टीम यहाँ पर माननीय बंशीधर भगत जी द्वारा गठित की गई है। इसी संबंध में हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर खुशियाँ मनाई और यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया, और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय बंशीधर भगत जी के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई है 2022 के आने वाले चुनाव में हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताकर भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज जिला संगठन के नेतृत्व में निर्देशानुसार आज SBI तिराहे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ये टीम का गठन हुआ है, हमें आशा ही नहीं विश्वास है 2022 का चुनाव तो हम फतह करेंगे ही। उसके अलावा जो हमारे प्रदेश संगठन ने हमारे युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष का उनको एक कार्यकाल पुनः प्रदान किया, हम उसका स्वागत करते हैं। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से, चूँकि नवीन ठाकुर जी हमारे प्रदेश के महामंत्री थे, उनको भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी में प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। आदित्य चौहान जी को प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया गया है, और बागेश्वर जनपद को भी पुष्कर काला जी के रूप में प्रदेश मंत्री के रूप में नेतृत्व प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह की बहुत लहर है। आज हमारी जिला भाजपा के नेतृत्व में आज SBI चौराहे पर हमने जो माननीय बंशीधर भगत जी के नेतृत्व में एक नई टीम का गठन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मिष्ठान वितरण किया है। चूंकि नई टीम है, नई ऊर्जा है, और नई टीम में नई ऊर्जा के संचार के साथ जो टीम पूरे उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में इस पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाली है, उसके लिए हम लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मिष्ठान भी वितरण किया। जैसा कि हमारे जिला महामंत्री और हमारे जिला उपाध्यक्ष इन्होंने बताया कि बागेश्वर जिले को पुष्कर काला जी के रूप में नेतृत्व मिला है, और जिनकी टीम में, जिन यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल जी की टीम में हम लोगों ने कार्य किया, और 2017 के चुनाव में हमने बहुत भारी मात्रा में और बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम लोगों ने इस प्रदेश में सरकार बनाई, उन्हीं के नेतृत्व को देखते हुए, उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए उन्हें पुनः भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली है, तो हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पुनः हमें टीम में काम करने का मौका मिलेगा, और ऐसा ही उद्देश्य के साथ हम लोगों ने यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया है। सब में बहुत ज़्यादा अच्छा उत्साह है। निश्चित रूप से मैं पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा। मैं अगर शुरू करूँ, अगर परिवर्तन रैली से लेकर घेरा डालो, डेरा डालो और सैनिकों का सम्मान जैसे अनेक कार्यक्रम आदरणीय कुंदन भाई लटवाल जी के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं अब मैं सोचता हूँ कि अगर इस प्रदेश में 2017 के चुनाव में अगर कहीं युवाओं ने अगर भूमिका निभाई है, अगर युवाओं की बदौलत अगर हमारे 57 सीटों पर हम लोगों ने जीत दी है, तो उसमें कुंदन भाई लटवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। उन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में युवाओं के अंदर एक नया जोश पैदा करने का काम इन
तीन सालों में किया है उसी की बदौलत आज उन्हें इनाम के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाई है। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से उनके अंदर जोश और जुनून है, युवाओं के अंदर काम करने का उनके अंदर तरीका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2022 में पुनः फिर इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में पुनः फतह करने में हम लोग कामयाब होंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2022 में युवाओं के बदौलत पुनः जीत हासिल करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और पूरे युवाओं के अंदर कुंदन भाई लटवाल जी के बनने में पूरे प्रदेश के अंदर एक खुशी का माहौल है। आपको उम्मीद है जिला अध्यक्ष भी आगे चलने की आएंगे? अब ये तो प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व देखेगा कि किस आधार पर, क्योंकि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। निश्चित रूप से अनेक और भी युवा अपने जनपद के अंदर काम कर रहे हैं और मेरे साथ भी पूरी मेरी टीम ने पूरे 3 साल काम किया है। जितना काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नए युवाओं को भी यहाँ पर मौका देना चाहिए। जैसा भी आदेश हमारे जिला नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का होगा, वैसे हमारे साथियों को सब कुछ स्वीकार होगा और मुझे भी स्वीकार होगा। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।